अभी मेरे को चढ़ गया खतरनाक वाला गुस्सा, अभी भाई मैं उसको जैसे करके हराने वाला हूँ। और भैंस की टांग देख सकते हो, पानी की लहर आ रही है लिटरली, और गाड़ी अभी भी हमसे आ गया यार। एक तो ये सुपर कार का जो पावर होती है उसको भाई वैसे भी कोई इजीली मैच कर नहीं पाता, लेकिन एक यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस आज अपन खेलने वाले हैं S49 Descent। तो गाइस बेसिकली एक रेसिंग गेम है जिसमें भाई हमें कुछ नहीं करना है, बढ़िया बढ़िया रेसेस में पार्टिसिपेट करना है, उसको जीतना है, बहुत सारा पैसा कमाना है और भाई बढ़िया बढ़िया सुपर कार खरीदना है। लेकिन गाइस एक सेकेंड, जितना सिंपल आपको यह गेम लग रहा है उतना सिंपल होने नहीं वाला है, क्योंकि भाई जो रेसेस होगी वो काफी ज्यादा डिफिकल्टीज होने वाली है उसमें हमें। और गाइस उसी के साथ साथ हमें बढ़िया बढ़िया सुपर कार भी खरीदनी पड़ेगी जैसे जैसे अपन गेम में आगे बढ़ेंगे, तो काफी ज्यादा मजा होने वाला है। आज अपन ये न्यू गेम प्ले सीरीज यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं और आज हमारा गेम में डे वन है। लेकिन गाइस उससे पहले मैं आपको एक बढ़िया चीज दिखाने वाला हूँ कि इस गेम में जो सुपर कार है भाई साहब, आप बोलोगे चुम्बेश्वरी, इतनी बढ़िया बढ़िया सुपर कार है आप एकदम हैरान हो जाओगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हो हमारे पास एक पोर्शा है जो कि अभी हमारे पास नहीं है, मतलब अपन को इनको खरीदने के लिए पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा, फिर अपनी रैंक इंप्रूव करनी पड़ेगी, तब जाके भाई अपन इतनी बढ़िया बढ़िया सुपर कार खरीद सकते हैं। बाकी फिलहाल इसमें जो सुपर कार है आप देख सकते हो भाई कितनी ज्यादा बढ़िया बढ़िया कार है यार, यहाँ पर फोर्ड की इंडियोवर है, यहाँ पर अलग अलग तरीके की सुपर कार है, रेस कार है, मैं आपको बता देता हूँ, देख सकते हो जैसे पोर्श है और भी गाइस बहुत ही बढ़िया बढ़िया कार है। लेकिन गाइस वो सब अपन बाद में देखेंगे क्योंकि अभी फिलहाल अपन चलते हैं सीधा रेस में। Meanwhile, और अभी अपनी रेस स्टार्ट होने वाली है जो कि होने वाली है स्कॉटलैंड में, और भाई माहौल आप देख सकते हो कितना ज्यादा गर्म है और अपन एकदम फुल रेडी है रेस के लिए। और 3, 2, 1 लेट्स गो। ऑलराइट गाइस अपनी रेस यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है, अपने सामने एक साइड से निसान GTR है जिसको गाइस हमें कैसे भी करके हराना है और इस रेस को जीतना है। बाकी एक सेकंड गाइस, अपन ने उसको पीछे तो छोड़ दिया है लेकिन मेरे को पल को पता है कि उस गाड़ी की स्पीड काफी ज्यादा है, क्योंकि भाई वो निसान GTR है जो कि भाई इतनी ज्यादा स्पीड से दौड़ सकी है। लेकिन भाई मेरे को इसको हराने के लिए एक ही चीज करनी होगी कि मेरे को इसको कैसे भी करके टक्कर मारनी होगी गाइस। बाकी एक सेकंड, काफी ज्यादा स्पीड में बैठ रही है लेकिन अभी तो फिलहाल मैं ही आगे चल रहा हूँ और मेरी गाड़ी को मेरे को जितना हो सके उतना कम भिड़ना है, क्योंकि जितना मेरी गाड़ी भिड़ेगी उतना मेरी गाड़ी को डैमेज आएगा। और भैंस की टांग, अभी मैं काफी ज्यादा पीछे चल रहा हूँ, मेरे को कैसे भी करके वो इनिशियल बूस्ट लेना पड़ेगा। ऑलराइट गाइस यहाँ पर मैंने बूस्ट तो ले लिया है लेकिन भाई अभी भी वो सुपरकार मेरे से काफी ज्यादा आगे चल रही है और भैंस की टांग अभी मेरे को चढ़ गया है खतरनाक वाला गुस्सा, अभी भाई मैं उसको जैसे करके हराने वाला हूँ। और भैंस की टांग देख सकते हो, पानी की लहर आ रही है लिटरली, और गाड़ी अभी भी हमसे आ गया यार। एक तो ये सुपर कार का जो पावर होती है उसको भाई वैसे भी कोई इजीली मैच कर नहीं पाता है, लेकिन एक सेकंड अभी इसके हम काफी ज्यादा नजदीक पहुंच चुके थे। और आराम से गाइस ये मौसम देख सकते हो कितनी ज्यादा खतरनाक ट्रैक पर ये रेस होने वाली है, और सामने से कुछ दिख भी नहीं रहा यार लिटरली। बाकी एक सेकंड अपन को आराम से चलना है, बातचीत कम करते हैं और रेस पे ज्यादा फोकस करते हैं। और ये लिया मैंने इनिशियल बूस्ट और भैंस की टांग अभी मैं इसको बीट करने वाला हूँ। तेरी ऐसी की तैसी भाई, हमसे पंगा ले रहा है ये, हमसे पंगा ले रहे हो भाई, भाई 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 गाड़ी एकदम चक्री खा चुकी है और अभी भी भाई अपन एकदम पीछे चल रहा है यार, कि कितनी ज्यादा स्पीड में गाड़ी चलती है। एक सेकंड मेरे को फिर से बूस्ट लेना पड़ेगा। ऑलराइट मैंने बूस्ट ले लिया है और गाइस फाइनली मैंने इसको पीछे छोड़ दिया है, अभी मेरे को जैसे तैसे करके अपनी रैंक को मेंटेन करते रहना है और गाड़ी को एक बार भी नहीं भेड़ना है। इसकी बैच के साथ मैंने बोला था यार गाड़ी को मेरे को भेड़ना नहीं है और मेरा इनिशियल बूस्ट कम पड़ चुका है। और अभी भाई ये देखो भाई गाड़ी पीछे से टक्कर मार रही है लेकिन अभी भी मैं एक सेकंड आगे चल रहा हूँ। और गाइस ये मारी मैंने फाइनल बूस्ट और अभी तक भाई ट्रैक अपना खत्म नहीं हुआ है, वो भैंस की टांग कहाँ तक जाएगी यार, कुछ ज्यादा ही खतरनाक मैंने यहाँ पर डिप्ट मार दी है। और चलते फटाफट से अपन, ओ भैंस की टांग भाई मैं टक्कर खा गया, भाई मैं टक्कर खा गया और पीछे आ चुका हूँ यार, ये मैंने गलती क्यों की, कोई नहीं दिक्कत, अभी भी अपन को रेस में आगे पहुंचने की हिम्मत है। और भैंस की टांग एक बार फिर से मैं रेस में आगे आ चुका हूँ और वो भी बंदा मेरे एकदम बिल्कुल नजदीक चल रहा है, तो मेरे को अभी अपनी रेस को मेंटेन करके रहना है और अभी भाई इसको कैसे भी कर घर आना है। ऑलराइट गाइस मैंने अपनी स्पीड को फुल बढ़ा दिया है और एकदम खतरनाक वाली यहाँ पर बारिश का माहौल हो चुका है, फटाफट से यहाँ पर तूफान वगैरह आ रहा है, तो अब मेरे को अपनी रेस मेंटेन करनी होगी। ओ भैंस की टांग मैं गलत ट्रैक पर आ गया, ओ तेरी, और गाड़ी ब्लास्ट हो चुकी है, कोई नहीं फिर से रेस में तो आ चुका है लेकिन भाई गाड़ी गंदी ठुके थी। और भाई फाइनल ट्रैक आ चुका है यार, सीट में अभी मैं नहीं टकरा था तो मैं लिटरली जीत जाता यार।
लिटरली एक सेकंड से हारा हूं, एक सेकंड से, वो भी भाई मेरी गलती, मैं ऑफ ट्रैक चला गया था और उस खंबे से मेरी गाड़ी टकरा गई थी। बाकी भाई एकदम खतरनाक वाली टक्कर वाली रेस दी थी, मेरे पास है अपनी BMW और मैंने निसान GTR जो कि इतनी खतरनाक सुपर कार है उसको मैंने बराबरी की टक्कर दी थी। ऑलराइट गाइस, तो अभी मैं अनफॉर्चुनेटली ये रेस तो हार चुका हूं लेकिन मैं काफी ज्यादा क्लोज था। और अभी तो जैसे जैसे अपने पास रैंक बढ़ेगी, अपने पास पैसे आएंगे, अपन खतरनाक वाली सुपर कार जो खरीदेंगे और फिर इनको भाई एकदम मुंह तोड़ जवाब देंगे। बाकी मेरे को आप कमेंट बताना कि आपको आज की रेस कैसी लगी, अगर ये सीरीज पसंद आ रही है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। बाकी वीडियो को लाइक कर देना, मैं मिलता हूं आपको इसके डे 2 में।